हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड आज की सुबह सुबह हेल्प हो रही है एंड आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, मतलब 10-15 मिनट पहले उठ गई हूँ। पता नहीं मेरे को क्या टेंशन खाया जा रहा था, नींद में बार बार घड़ी देख रही थी मैं, तो अभी 6 भी नहीं बजे। देखिए टाइम तो पति घर झाड़ू लगा लिया, बाहर पति देव लगा रहे हैं, पता मुझसे पोछा लगा लिया, फिर उसके बाद वॉक या फिर पहले वॉक करके आ जाओ फिर पोछा। तो मैं जल्दी उठ गई थी तो इनको भी मैंने 5:15 उठा दिया। देखिए उतने टाइम उजाला भी नहीं हुआ था, फिर ये लग गए काम पे तो मैं अंदर लग गई। 6 बजे 5 मिनट बाकी है, समथिंग उजाला हो गया काफ़ी, तो पर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगी अभी, थोड़ा और थोड़ा उजाला होने लगे तब तक कॉलोनी के अंदर ही घूमेंगे। बाहर सब कुत्ते वत्ते वगैरह भी रहते हैं ना, जानवर सब, तो इसीलिए थोड़ा लेट में जाएंगे। सुबह सुबह उठ के ना आदत सी हो गई, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली जस्ट मैंने बात ले लिया एंड पूजा एंड ऑल सब कुछ हो गया एंड मेरा बच्चा भी उठ गया अभी। एंड आज मैं लगी थी साफ सफाई अभियान में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बाहर आंगन में पतिदेव ने झाड़ू लगा दिया तो मैंने सोचा मैं बाहर लगा लूँ। ये पूरा क्लीन कर दिया मैंने झाड़ू लगा के, इधर भी मतलब गेट तक किया, उधर कौन करेगा उधर। एंड यहाँ पे आग लग गई थी मैंने, एंड ये आग देखिए कहाँ चली गई, इसको आई थिंक बुझाना चाहिए, पता नहीं समझ में नहीं आया कैसे गई। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पे लगाई हुई आग वहां जाएगी, उधर गई, अच्छी बात है। यहाँ वाला बुझा देती हूँ, लग रहा है ना ये शटर वाला रूम, मतलब भले इधर से आना जाना नहीं होता लेकिन अच्छा नहीं लगता था, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सांप फिर पत्ता गिरेगा फिर जैसे का तैसा हो जाएगा, एंड देबू आके मेरे को फुल चमकाने वाले हैं। और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, यही सब करते हो, फिर बाद में बोलोगे यहाँ दुख रहा है वहां दुख रहा है कुछ ऐसे। तो चलिए भूख भी लगी है, चाय वाय पिया जाए। चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, नहा के आके मैं चाय चढ़ाती हूँ, उसके बाद बाकी के काम होते हैं। तो इसको मुझे कम से कम 15 मिनट पक जाए ना तब अच्छी लगती है चाय, तो बस ये लगभग हो ही गई। तभी उठते उठते 1 घंटा लग गया, कल उसको इतना डांटी ना मैं, ये मतलब फ्रेश होके आ चुकी है, पहले खाली नहाने गई है, उसमें भी आवाज आ रहा है, खेल रही है बाथरूम में, एंड जल्दी करना है मंदिर जाना है, लेकिन सुनाई दे रहा था मग्गा में पानी भर भर के जैसे कर रहे थे ना, इसीलिए पापा जाके बोले आपको, ठीक है बाद में, तो चलो उठ जाओ। मेरे इयररिंग का भंडार भरा हुआ है डब्बा, एंड ये रहा दूसरा डब्बा। कलेक्शन करना ज्यादा अच्छा लगता है, पहनती मैं बहुत कम हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, कान वान के छेद बड़े हो जाते फिर मजा नहीं आता। एक छोटा डब्बा भरा है, इस बार घर गए थे तो ये देखिए कृतिका के लिए जो गोल्ड वाला इयररिंग बना दिया था मैंने, लेकिन देखिए अभी हुआ क्या, ये पूरा इधर से ना इधर आ जाता है, ये रुको, तो इसका छेद बड़ा हो गया ना कान का, तो अभी मुझे टेंशन हो जा रहा है, बोलिए बाकी ये उतना भी मोटा नहीं आई थिंक चलेगा, लेकिन ये पीछे से घुस जाता है पूरा, सामने से नहीं जाता। मुझे भूख लगी बहुत जरूर, तो खाओ कौन बना, अब तुम नहा के आओ उसके बाद बना लो, देखो क्या बनेगा, देखो देखूंगी क्या, बताओ बताओ। आ जाएगा सामान, मैगी वगैरह सब, मैगी रात को मैं खाएगा, मैगी तो नहीं, इतने नूडल ऑर्डर किया मैंने, चलेगा चलेगा, यू यू रात को मैं की खाएगा, अभी नहाने जाता से आने के बाद हम लोग बादाम खाए ही नहीं है, देखिए चीटी सारे बादाम खा गई ना, ये दे हम ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल चीला, जिसमें है आलू प्याज टमाटर हरा धनिया अंडा एंड आटा, मतलब चीला ऑब्वियसली बात है आटे से ही बनेगा या फिर बेसन से बनेगा, तो मैंने यहाँ आटा यूज किया। तो आज हमारे घर बन रहा है स्पेशल टमाटर चटनी विद अंडा, ये देखो अंडा भुर्जी, और बनाने वाले पति देव जी। तो आज है संडे एंड संडे के दिन कुछ स्पेशल ना बनाओ, बाल मेरे अवॉइड कीजिएगा, मैं कैसे भी मोड़ मार के क्लेचर लगाएं तो ऐसा हो नहीं सकता ना, तो चिकन तो नॉर्मल है बोलिए, तो
बड़ी देव को पता नहीं है कि मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पिछली बार जब वो चिकन लेकर आए थे तो उनको लगा कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, तो नहीं बनाई थी मैंने उस दिन। तो अभी वो जस्ट गए हैं, तो छुप छुप के मैं सारा काम कर रही थी अभी बिंदास। तो अभी सबसे पहले प्याज फ्राई करूंगी, तो चलिए काम पे लगते हैं। 11:30 हो गया, बिरयानी बनाने में काफी टाइम लगता है, देखते हैं टाइम मेकअप कर पाते हैं कि नहीं। हमें को पता नहीं चला। पंखा चालू है, हवा नीचे दे रहे हैं उसके, तो चालू क्यों? यहाँ पर मैं कर रही हूँ चिकन फ्राई। चिकन को मैं फुल कुक करती हूँ, ना 80 ना 90, 100%। तो जब मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी घर पे ही थे, तो बोल रहे वाह क्या खुशबू आ रहा है, मतलब कच्चा चिकन ही, मतलब जब मैरिनेट करे तो बोल रहे हैं कि लग रहा है कुक हो गया है करके। तो मैं बोली नजर मत लगाओ, अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा फिर बोलोगे है ऐसा वैसा बनाया है बोल के। चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले। फिर ये हो चुके हैं चावल, ये हो रहे हैं चिकन, होने वाले हैं ये गरम गरम चिकन। चल गया चावल के ओपन, अब पापा का वेट बन रहा है। चीजें बहुत सारे मसाले जाएंगे, जा रहा है चिकन। बाबरी कितना फास्ट, कितना फास्ट चावल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी जस्ट 1:10 एंड मैं अभी फ्री हुई हूँ। बिरयानी लगी है दम पे, अराउंड 20 मिनट हो गए, तो और 15 मिनट तो रखूंगी ही बोलिए। एंड ये रही हितिका की ड्राइंग, देखो ना और एक है। दोनों बहुत अच्छा बना है। देवू बोलते हैं कि बना रहे हो तुम, बनाने लगे हो तो मतलब कुछ फेस आर्ट बनाओ, मतलब किसी को पिक्चर लो उसको बनाने का ट्राई करो। तो ये सब अतरंगी चीज बनाती है गूगल में देख देख के, गूगल नॉट इट। तो चलो फेस आर्ट में ना थोड़ा अलग रहता है, सीखना पड़ता है बेटा। जब तुमको आता है, तुम अभी सीखने लगे हो, बहुत अच्छा बनाने लगे हो, तो कुछ नेक्स्ट लेवल का ट्राई करना चाहिए, ये नहीं कि उसी में लगे रहो, है ना। अब हम पढ़ाई करते हैं तो KG1 KG2 से धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम जाने लगते हैं, तो बस वही और कुछ नहीं। उफ MG पंखा आवाज करता है बोल के बंद करके हम लोग शूट करना पड़ता है, बहुत गर्मी लग रहा है। ओरे खा ओरे लगती है। हो गया 5:30 एंड अभी जस्ट मैंने टीवी ऑन किया तो देखा खतरा खतरा आ रहा है, तो मैं तो अभी बाहर नहीं जाने वाली हूँ, और 1/2 घंटा बचा है एंड फुल मतलब एंटरटेनिंग आ रहा है। एंड सुना है अभी 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तो फिर इसकी जो खासियत है इतना हंसाओगे इतना हंसाओगे तो ट्रेंड तो बनता है इस पे। तो लेट्स वॉच, देखिए मैं बाहर से घूम के भी आ गई थी एंड अभी दिखा गई है नहाने, ये आ गई फिर क्या भूली है वही जाने। अच्छा क्लचर एंड गर्मी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, पानी तक अभी लग रहा है कि फ्रिज वाला ही पीना पड़ेगा। वो डब्बे में है ना, डब्बे में है क्लचर। फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी बास्केट ऑर्डर किया था, तो जो आई थिंक आज आना था 20 तारीख को, एंड पहले ग्रोसरी बास्केट 2-3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता था, तो मैंने 15 तारीख को ऑर्डर किया था एंड आज 20 तारीख है, तो आज कोई मुझे आउटफिट डिलीवरी का मैसेज नहीं आया। तो मैंने बी कस्टमर केयर से बात की, तो वो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज आपका प्रॉमिस डेट है। तो मैं बोल रही हूँ मैम आज कोई मैसेज नहीं आया, एंड अभी 7 बज रहे हैं तो अभी तो पार्सल डिलीवर्ड होने का भी टाइम चला गया, तो नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी दिन ब दिन फ्लिपकार्ट की सर्विस भी बेकार होती जा रही है, अगर यही चलता रहा तो थैंक्स।
मैं तो नहीं करने वाली ऑनलाइन शॉपिंग, वरना आप लोगों ने देखा ही है मेरी सारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है आधी से ज्यादा। खैर जो भी है, आए तो ठीक ना आए तो ठीक। तो रितिका यहाँ पढ़ने बैठ गई, चलो तो मैं उसको रीडिंग करा देती हूँ फटाफट।